हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रूपा और आज मैं आ गई हूँ गुजराती स्पेशल ढोकला के रेसिपी के साथ। ढोकला बनाना बहुत ही इजी है, बहुत ही जल्दी, बहुत ही हेल्दी एक रेसिपी है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे बनते हैं गुजराती स्पेशल रेसिपी ढोकला। लेट्स बिगिन। इजी गुजराती रेसिपी ढोकला बनाने के लिए मैंने ले लिया है 150 ग्राम बेसन और इसके अंदर अभी ऐड कर दूंगी 1/2 टीस्पून सॉल्ट। सॉल्ट आप आपके स्वाद अनुसार दे दीजिए और साथ ही साथ मैं ऐड कर दूंगी 1/2 टीस्पून शुगर, ऐड कर दूंगी 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को फर्स्ट में ऐसे एक बार मिक्स कर दूंगी और अभी थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करके एक बैटर तैयार कर लूंगी। बैटर को बहुत ही स्मूथ बनाना चाहिए, एकदम भी लम्स नहीं रहना है। देख लीजिए ऐसा पूरा का पूरा सॉफ्ट बैटर बनाना है। और अभी इस बैटर के अंदर ऐड कर देंगे 1/2 लेमन जूस। लेमन जूस ऐड करना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो आप लोग इनो का भी यूज कर सकते हो, लेकिन मैं इधर पे बहुत ही हेल्दी तरीके से बनाऊंगी, बस लेमन एंड बेकिंग सोडा यूज करके। लेमन जूस ऐड करने के बाद फिर से एक बार ऐसे मिला दीजिए। देख लीजिए बैटर का कंसिस्टेंसी ऐसा होना चाहिए, पूरा का पूरा रानी नहीं, थोड़ा सा गाढ़ा है, ऐसा ही कंसिस्टेंसी में चाहिए। और अभी मैंने ढोकला बनाने के लिए ले लिया है एक केक टिन, उसके ऊपर बटर पेपर को प्लेस कर दिया है और किनारों से ऐसे ऑयल ब्रश कर रही हूँ ऐसे। ढोकला बनाने का टिन अभी हमारी एकदम रेडी है, तो अभी इस बैटर के अंदर लास्ट इंग्रेडिएंट्स को ऐड कर देंगे। ऐड कर देंगे 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा ऐड करने के बाद तुरंत ऐसे मिला देंगे। देख लीजिए बैटर कितना अच्छा से फूल रहे हैं, ये बहुत ही जरूरी स्टेप है, ऐसे ही बहुत ही जल्दी से कर लीजिए। देख लीजिए बैटर फूल गए हैं और अभी इस बैटर को केक टिन में प्लेस कर देंगे ऐसे। इसको डैप करने का एकदम भी जरूरत नहीं है। गैस पे चढ़ा दिया है एक हेवी बेस पैन और इसके अंदर मैंने एक स्टैंड को प्लेस कर दिया है और देख लीजिए पानी में भी उबाल आ गए हैं, तो अभी इस स्टैंड के ऊपर ऐसे प्लेस कर देंगे केक टिन को और साथ ही साथ ढक्कन लगा देंगे। अभी 10-15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में इसको बेक होने के लिए छोड़ देंगे। तो 10-15 मिनट बाद मिलती हूँ। ढोकला तो हमारी रेडी हो रहे हैं, तो चलिए इस टाइम में चाशनी तैयार कर लेते हैं। और उसके लिए मैंने एक छोटा सा पैन चढ़ा दिया है, ऐड कर दूंगी 1/2 टीस्पून रिफाइन ऑयल, ऐड कर दूंगी 1/2 टीस्पून मस्टर्ड सीड्स, ऐड कर दूंगी 1/2 टीस्पून सॉल्ट, थोड़ा सा कड़ी लिप्स, सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर दूंगी। ऐड कर दूंगी प्लीटेड ग्रीन चिली, मिला के थोड़ा सा फ्राई कर लूंगी। सारे चीज फ्राई हो गए हैं, ऐड कर दूंगी पानी, साथ ही साथ ऐड कर दूंगी 1/2 टीस्पून शुगर, 1/2 लेमन जूस। समर के टाइम में ढोकला खाना बहुत ही अच्छा है सेहत के लिए, घर में जरूर एक बार ट्राई कीजिए। अभी बस उबाल आने देंगे, सारी चीजों को मिक्स कर देंगे। देख लीजिए चाशनी में उबाल आ गए हैं, तो गैस को अभी बंद कर देंगे और इसको ठंडा कर लेंगे। और 10 मिनट हो गए हैं, तो अभी चेक कर लेंगे कि ढोकला हमारी रेडी है या नहीं। ऐसे एक टूथपिक को अंदर में ऐड करके देखिए, पूरा के पूरा क्लीन निकल आए हैं, इसका मतलब है ढोकला हमारी रेडी है। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं। ढोकला को मैंने निकाल लिया है, लेकिन अभी इसको बस 5 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे। 5 मिनट हो गए हैं और ढोकला अभी हमारी ठंडा हो गए है, तो अभी इसको निकाल लेंगे। और उसके लिए मैंने ले लिया है एक प्लेट और उसके ऊपर अभी ढोकला को निकाल लेंगे। देख लीजिए ढोकला को मैंने निकाल लिया है
और ये दिखने में जितना सुंदर लग रहे हैं ना, खाने में और भी ज्यादा स्वादिष्ट बनते हैं। घर में जरूर एक बार ट्राई करना। तो चलिए अभी इसको कट कर लेती हूँ। इसको ऐसे पीसेस में कट कर लेंगे। आपको जैसी मर्जी है सेम कट कर लीजिए, इसमें कुछ नहीं है। देख लीजिए ढोकला हमारी कितना ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं, पूरा का पूरा सॉफ्ट स्पॉन्जी बन के रेडी हो गए हैं। और ये है एक हेल्दी रेसिपी, क्योंकि पूरा का पूरा स्टीम से बना हुआ है। और अभी ऊपर में ऐड कर देंगे वो चाशनी, जिसको मैंने पहले तैयार करके रख दिया था। ऐसे पूरा का पूरा स्प्रेड कर दीजिए। तो देख लीजिए हमारी एकदम इजी रेसिपी गुजराती ढोकला पूरा के पूरा बन के रेडी है। और कितना ज्यादा सॉफ्ट बने हैं, पूरा के पूरा फ्लफी है, देख लीजिए। तो यही है मेरी आज की रेसिपी गुजराती स्पेशल ढोकला। अगर पसंद आए है तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आगे जाके ऐसा ही रेसिपी रोज रोज अपने फोन पे देखने के लिए नीचे बेल बटन को भी दबा देना। आज के लिए इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।